ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए सियासत और भी तेज हो गई है और राजनीतिक दलों के बीच में सीट शेयरिंग का फार्मूला भी तय हो गया। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने 23 अक्टूबर को उम्मीदवार की दूसरी लिस्ट जारी की और दूसरी लिस्ट में सिर्फ एक प्रत्याशी के नाम की घोषणा की गई। अब सवाल ये उठा कि आखिर ये प्रत्याशी हैं कौन, उनके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। JMM ने झारखंड के राजधानी रांची से महुआ मांझी को चुनावी मैदान में उतारा है। महुआ मांझी राज्यसभा के सांसद हैं जिन्हें झामुमो ने विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया। हिंदी की बड़ी साहित्यकारों में शुमार महुआ मांझी का नाम समाज सेवा के क्षेत्र में भी जाना जाता है। वे हेमंत सोरेन के परिवार की खास मानी जाती हैं। अब सांसदी से विधायक की चुनावी मैदान में उतरी हैं कि सांसद से विधायक के चुनाव लड़ रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है महुआ मांझी। JMM से महुआ मांझी पहली ऐसी महिला सदस्य हैं जो राज्यसभा सांसद बनी। वह झारखंड महिला आयोग की चीफ भी रह चुकी हैं। महुआ मांझी वर्तमान में झारखंड के झामुमो के राज्यसभा सदस्य हैं। इससे पहले भी उन्होंने साल 2014 से 2019 के विधानसभा चुनाव में भी रांची से अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उन्हें दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था। वे पिछले काफी समय से JMM से जुड़ी हुई हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर BJP के CP सिंह के सामने महुआ मांझी मैदान में उतरी हैं। 10 दिसंबर 1964 को जन्मी महुआ मांझी ने रांची विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और समाज शास्त्र में PhD की। साहित्य से राजनीतिक तक का सफर उनके करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण उछाल रहा है। रांची विधानसभा सीट 1990 से लगातार BJP जीतती आ रही है और 1985 में कांग्रेस के जयप्रकाश गुप्ता ने रांची सीट पर जीत दर्ज की थी। 1990 में BJP के गुलशन लाल आजमानी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद से इस सीट पर BJP का कब्जा है। 1995 में यहां से BJP के यशवंत सिन्हा को जीत मिले। 1996 में लोकसभा चुनाव में यशवंत सिन्हा हजारीबाग संसदीय सीट से चुने गए। इसके बाद हुए उपचुनाव में 1997 में CP सिंह ने पहली बार जीत दर्ज की। इसके बाद साल 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में CP सिंह ने जीत दर्ज की। झारखंड में कांग्रेस, राजद और JMM के बीच में गठबंधन है। JMM ने पहली लिस्ट 35 उम्मीदवारों की जारी की और दूसरे लिस्ट में सिर्फ एक नाम महुआ मांझी का नाम रहा। JMM ने अब तक 36 उम्मीदवारों के लिस्ट जारी कर दी है, मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस और झामुमो 81 में से 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 11 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD और वामपंथी दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने झारखंड में दो चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया। 13 नवंबर को पहले चरण में और 20 नवंबर को दूसरे चरण में यहां पर वोटिंग होगी। 23 नवंबर को यहां पर वोटों की गिनती होगी। उसके बाद पता चलेगा कि झारखंड का असली शासक कौन। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।